सवाल नंबर एक। एक साइकिल की कीमत 5699 रुपये है, 17 साइकिलों की कीमत किन्नी होगी? तो सानू जो है एक साइकिल की कीमत दे रखी है, तो 17 साइकिलों की कीमत जो है असी कढ़नी है। हाँ जी, एक साइकिल की कीमत है 5699 रुपये, 17 साइकिलों की कीमत वास्ते असी की करांगे, जो एक साइकिल की कीमत है 5699 रुपये, इसनों असी 17 दे नाल गुणा करांगे, तो गुणा करके 96883 रुपये आता है। ये जो गुणा है ये मैं तुहानू करके विखा देना जी। छपंजा सौ नड़िनवे जो कि एक साइकिल की कीमत है, इसनों असी 17 के नाल गुणा करना है, क्योंकि असी 17 साइकिलों की कीमत जो है वह कढ़नी है। हाँ जी, 7 निमे ये होंदा है 63, 6 जो है हासिल किया, 7 निमे 63 हो गया, 63 जमा 6 ये हो गया 69, 6 जो है हासिल किया, 7 6 42 ते 42 जमा 6 ये हो गया 48, 4 हासिल किया, 7 5 35, 35 जमा 4 39। हाँ जी, इत्थे 0 लगानी है, ते 1 नू 9 नाल गुणा करांगे 9, 1 नू 9 नाल गुणा करांगे 9, 1 नू 6 नाल करांगे तां 6, ते 1 नू 5 नाल करांगे तां 5। हाँ जी, 3 दे विच असी 0 जो है जमा करांगे तां 3, 9 दे विच 9 जमा कीते तां 18, 1 हासिल गया, 1 जमा 8 9 हो गए, 9 जमा 9 18। हाँ जी, 1 हासिल गया, 9 जमा 1 10, 10 जमा 6 16, 1 हासिल गया, 3 जमा 1 4, 4 जमा 5 9। हाँ जी, ये असी 96883 दे नाल जो है रुपए जरूर लिखना है, क्योंकि इत्थे गल जो है वो असी जो है एक साइकिल की कीमत दी कर रहे हाँ। ते किसी भी चीज़ की अगर असी कीमत लिखनी होंदी है तो इंडियन जो करेंसी है रुपीज़ जा रुपए उस दे विच मेंशन करना जो है लिखना जो है जरूरी होंदा है। रुपए जो है इकाई है यूनिट है किसी भी प्राइस नू जा कीमत नू लिखन दी। हाँ जी, 5699 रुपये जो कि एक साइकिल की कीमत सी, 17 साइकिलों की कीमत कढ़ने वास्ते असी 17 दे नाल गुणा किया तां 96883, 96883 रुपये जो है 17 साइकिलों की कीमत है। सवाल नंबर 2। एक बक्से विच 12 टाइलां आउंदियां हन, इस तरह के 4590 बक्सों विच किन्नियां टाइलां आउणगियां? हाँ जी, सानू ये दे रखा है भी एक बक्से दे विच तां 12 टाइलां आउंदियां ने, ते इस तरह के 4590 बक्से ने उन्हां दे विच सानू जो है टाइलां दा जो नंबर है जां टाइलां दी जो गिनती है वो दसनी है। हाँ जी, एक बक्से विच टाइलां हैगियां ने उन्हें 12, ते 4590 बक्सों के असी टाइलां दसनिया ने, तो एक बक्से की जो टाइलां ने ए वाले 12 नू, ठीक है, एक बक्से की टाइलां नू जिन्ने साढ़े को बक्से हैं 4590 उदे नाल असी गुणा कर देंगे। एक बक्से की टाइल नू, ठीक है, 12 टाइलां नू असी जो है कुल जो साढ़े को बक्से हैं 4590 इस दे नाल गुणा कर देंगे तो साढ़े कोल जो है 4590 बक्सों के विच किनिया टाइलां ने ये जो है निकल के आ जाऊगा। हाँ जी, तो ये देख सकते हो 55,080 जो है 4590 बक्सों के विच टाइलां ने, गुणा जो है मैं तुहानू करके विखा देना।
हाँ जी, दो नू सिफर दे नाल करांगे गुणा, तां सिफर, दो न दो नीमे 18, तां दो पंजे 10 ते एक हासिल गया, दो चौक 8 ते एक 9 हो गए। हाँ जी, इत्थे जीरो लगानी है, एक नू जीरो नाल करांगे, एक नू नौ नौ दे नाल करांगे जी, गुणा। हाँ जी, एक पंजे 5, एक चौके 4। हाँ जी, सिफर जमा सिफर सिफर हो गया, 8 जमा 0 8 हो गया, 0 जमा 9 9 हो गया, 9 जमा 5 ये हो गया, 1 मिनट जी, 2 0s are 0, 2 9s are 18, 1 कैरी होया, 2 5s are 10, ओहो मिस्टेक हुई है। हाँ जी, दो नू जीरो नाल गुना करांगे, 0, 2 9s are, यानी कि 2 नीमे 18 हो गया, 1 हासिल गया, 2 5s 10, 10 जमा 1 11 हो गया, 1 हासिल गया, 2 चौके 8 ते 8 जमा 1 9 हो गया, ये आएगा 9180। पिछली बार साडा जो है 9080 आया सी, तो इतने एक करना सी 11 दा, मैं जो है 10 दा जीरो लिख बैठा सी। हाँ जी, इतने जीरो लगानी है, एक नू जीरो नाल करांगे 0, एक नू नौ नाल गुना करांगे तो 9, 1 5s 5, 1 चौके 4। हाँ जी, सिफर दे विच सिफर ऐड करांगे, सिफर, 8 जमा 0 8, 1 जमा 9 10 हो गए, 1 हासिल गया, 9 जमा 1 10, 10 जमा 5 15, 1 हासिल गया, 4 जमा 1 5। हाँ जी, 4590 बक्सियां दे विच 55,080 जो है टाइलां आ सकदियां ने, ते एक बक्से दे विच जो है 12 टाइलां ने। सवाल नंबर तीजा है जी, 4 अंकों की छोटी तो छोटी संख्या नू 98 नाल गुणा करो। देखो, 4 अंकों की छोटी तो छोटी संख्या, हुण छोटी तो छोटी संख्या बनाने वास्ते असी जो सब तो छोटा अंक है 0 दा जो है यूज़ करते हाँ, तुहानू पता ही है, इन्हां ने 4 अंक आए हैं, 4 अंकों वास्ते देखो जिहड़े 3 अंक है वह तो असी जो सब तो छोटा जो अंक है 0 जो है सिफर जो है यूज़ कर लिया, हुण जिहड़ा आखिरी जो चौथा अंक है वह असी सिफर नहीं लै सकते, 0 नहीं लै सकते, उहदा कारण यह है भी अगर असी चारों जो है 0 0 0 0 जां सिफर जो है लैने हाँ, तो ये जो है कोई भी मैथमेटिक्स दे विच मैथ्स दे विच नंबर जो है नहीं हुंदा है, ठीक है। तो इसनों नंबर दी फॉर्म दे विच बनाने वास्ते जो चौथा अंक है उसनों असी सिफर जां 0 ना लैके 1 लवांगे, ठीक है, क्योंकि 0 तो बाद जो अगला जो छोटा अंक है 0 तो वड्डा है, पर बाकियां तो 2 तो 3 4 5 6 7 8 9 इन्हां तो जो है छोटा है वो है 1 जां 1। 4 अंकों की छोटी तो छोटी संख्या जो है वो हो गई 1000 जां 1000। हाँ जी, हुण इस संख्या नूं असी 98 दे नाल गुणा करना है। हाँ जी, 4 अंकों की छोटी तो छोटी संख्या हो गई 1000, लोड़ींदा गुणनफल ये असी 1000 नू 98 दे नाल 98 दे नाल गुणा करना है। इस नू जो है मैं पहला भी दस्या होया भी इस तरह ना करना भी गुणा करन बैठ जाओ किधर, तुसी ये नहीं होंदा, इस दे विच सिंपल है, ये जो 98 है उसनू 1 दे नाल गुणा कर दो, ठीक है, वो 98 आ गया। हुण 1000 दी जो 3 ये जीरवा ने वो 98 दे नाल जो है लगा दो, 1 2 ते 3, ठीक है, 98 दे नाल 3 जीरवा लगा दो, 98,000 ये जो है आंसर है। एक बारी फिर देख लो, 98 नू 1 दे नाल गुणा करो, ठीक है, तां 98 नू 1 नाल गुणा करके ये आ गया 98। इस तो बाद जो 1000 दी ए वाली जो 3 जीरवा है वो 98 दे नाल इत्थे जो है लगा दो, तां 98,000 जो है वो साडा फाइनल आंसर आ गया।
जी, अगला जो सवाल है, इहदे विच सानू जो है एक टेबल इन्हां ने बना के दिता हुआ है, जिस दे विच कि रेट लिस्ट करके जो है वस्तु दे उदी जो कीमत है प्रति वस्तु वो जो है दे रखी है। बिजली दे समान दी फैक्टरी विच समान दी रेट लिस्ट हेठ लिखे अनुसार है, तां ये जो है असी देख सकते हैं रेट लिस्ट जो है सानू दे रखी है। हाँ जी, वाशिंग मशीन दा जो प्राइस है जो जो कीमत है वो है 24,999 रुपये। LCD दी जो कीमत है वो है 42,500 रुपये। ते एयर कंडीशनर दी जो कीमत है वो है 54,000 रुपये। वाटर गीजर दी है 12,999 रुपये। ते फ्रिज दी जो कीमत है वो है 18,499 रुपये। हाँ जी, हुण इन्हां ने साढ़े को पहला एक सवाल पूछा है। हाँ जी, पहला जो सवाल है वो है, चरण कोल 1 लाख रुपए हन, उसने 2 वाशिंग मशीना अते 1 LCD खरीदी, उसने किन्नी रकम खर्ची। हाँ जी, चरण जो है कोई परसन है, उस कोल 1 लाख रुपए हन, ते उसने इस 1 लाख रुपए दे विच्चों 2 तां वाशिंग मशीना, ठीक है, ते 1 LCD जो है खरीदी है, ते उसने किन्नी रकम खर्च कीती है, ये सानू दसना है। अगर असी 2 वाशिंग मशीना ते 1 LCD दी जो कीमत है इन्हां दोवां नूं अगर असी जोड़ देने हाँ, ऐड कर देने हाँ, तां चरण ने किन्नी रकम खर्च कीती है ये साढ़े कोल जो है निकल के आ जाऊगा। हाँ जी, देख लैने जी, वाशिंग मशीन किन्ने दी है, 24,999 रुपये दी। तां जो वाशिंग मशीन है उसने 2 खरीदियां है, ठीक है, इहदा मतलब भी सानू जो है ये 24,999 रुपये जो कि 1 वाशिंग मशीन की कीमत है इसनों 2 दे नाल गुणा करना पेगा क्योंकि उसने 2 जो है वाशिंग मशीन जो है खरीदियां ने। हाँ जी, 1 LCD खरीदी है जो कि 42,500 रुपये की है, तो ये जो है सानू वाशिंग मशीन जिहड़े 2 वाशिंग मशीन का प्राइस आएगा जो जा जो कीमत आएगी उस दे विच सानू जो है LCD की कीमत जो है 42,500 रुपये ऐड करनी है, जोड़नी है। हाँ जी, 1 वाशिंग मशीन का मूल जा कीमत ये है 24,999 रुपये। 2 वाशिंग मशीना का जो मूल है वो हो जाएगा, असी इसनों जो है 2 दे नाल गुणा कर देंगे, जो 1 वाशिंग मशीन का जो मूल है जहाँ जो कीमत है 24,999 नू 2 दे नाल गुणा कर देंगे 2 वाशिंग मशीना का मूल जा कीमत कढ़ने वास्ते, तो साढ़े को आता है जी 49,998 रुपये। ठीक है, 49,998 रुपये गुणा जो है मैं करके दिखा देना तो देखो 24,999 रुपये है ना। हाँ जी, इसनों असी 2 दे नाल गुणा करना है, 2 9 18 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 9 18, तो 18+1 19 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 9 18, 18+1 19 हो गया, तो 1 कैरी हो गया, 2 4 8, 8+1 9, तो 2 2 4। हाँ जी, 49,998 रुपये, ठीक है, 49,998 रुपीज़, ठीक है, 49,998 रुपीज़ ये जो है 2 वाशिंग मशीना की कीमत है, मूल है। हाँ जी, इस तो बाद जो चरण है उसने 1 LCD भी जो है खरीदया है, तो उसका जो प्राइस है वो है 42,500 रुपये, ठीक है। हुण 2 वाशिंग मशीना का जो मूल आया है वो है 49,998 रुपये, 1 LCD का जो मूल है वो है 42,500 रुपये, तो इन्हों दोवों नू असी जो है ऐड करांगे, जोड़ांगे, तो सानू मिलेगा 92,498 रुपये। 92,498 रुपये जो है चरण ने खर्च किते हैं। सानू यही कटना सी ना भी चरण ने 2 वाशिंग मशीन ते 1 LCD दे उपर किन्ना जो है खर्च किया है, तो चरण ने 92,498 रुपये जो है खर्च किते हैं। हाँ जी, ये जो जोड़न वाला जो है ये मैं तुहानू करके दिखा देना जी। हाँ जी, 8 जमा 0 8 हो गया, 9 जमा 0 9 हो गया, 9 जमा 5 ये 14 हो गया, 1 कैरी 1 हासिल गया,
9 जमा 1 10 हो गया, 10 जमा 2 12 हो गए, हाँ जी 1 हासिल गया, 4 जमा 4 8, 8 जमा 1 9। तो देख सकते हो 92,498 रुपये जो है चरण ने खर्च किए हैं। तो एक गल होर दसदा, इतने रुपए जो है जरूर लिख के आना है क्योंकि असी कीमत की गल कर रहे हाँ। अगला सवाल है जी, चरण दे भरा कोल भी 1 लाख रुपए हैं, उसने एक एयर कंडीशनर, 2 वाटर गीजर अते एक फ्रिज खरीदी, उस कोल बाकी किन्नी रकम बची? हाँ जी पहला असी चरण ने जो रकम खर्ची सी वो जो है कड़ी है, हुण असी की करना है, देखो हुण चरण दे भरा दी गल हो रही है भी चरण दे भरा कोल भी 1 लाख रुपए हैं, उसने एक एयर कंडीशनर भी एक जो है एसी खरीदया है, 2 वाटर गीजर जो है खरीदे हैं, ते एक फ्रिज खरीदी है, ठीक है, उस कोल बाकी किन्नी रकम बची है? हुण सानू चरण दे भरा ने किन्नी रकम खर्च कीती है, देखो ये तो पहले कटना ही पड़ेगा भी चरण दे भरा ने किन्नी रकम जो है खर्च कीती है, नाल देखो उस कोल जो टोटल जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है, तो सानू हुण कटना ये है भी चरण दे भरा कोल किन्नी रकम बची है, जो उसने खर्च की है उसनों असी 1 लाख रुपए के विचों घटावे माइनस करा तो साढ़े को रकम आ जाएगी जो चरण के भरा को बची है। हाँ जी एक इसने जो है एयर कंडीशनर खरीदया है एसी जो कि 54,000 रुपए का है, 2 वाटर गीजर खरीदे हैं जिसकी कि एक की कीमत जो है 12,999 रुपये है, तो एक जो है फ्रिज खरीदया है जिसकी कीमत जो है 18,499 रुपये है। तो पहला सानू जो है इन्हों तिना का जो कुल जो रकम है जो कुल जो कीमत है वो कटनी पड़ेगी। हाँ जी एयर कंडीशनर का मूल जो है वो है 54,000 रुपये, 2 वाटर गीजरों का जो मूल है वो है, देखो एक वाटर गीजर का जो मूल है वो है 12,999 रुपये, 2 का कटन वास्ते असी जो एक वाटर गीजर का जो मूल है 12,999 रुपये इसमें जो है 2 के नाल गुणा कर देंगे तो साढ़े को आता है जी 25,998 रुपये। हाँ जी 2 वाटर गीजरों का जो मूल है वो है 25,998 रुपये, एक फ्रिज का जो मूल है वो है 18,499 रुपये। हाँ जी हूँ इन्हों तिना जो है असी ऐड करा, देखो पहला मैं जो है तो ये वाटर गीजर वाली जो मल्टीप्लीकेशन है जो जो गुणा है वो करके दिखा देना भी किमें जो है 2 का वाटर गीजरों का जो मूल है वो 25,998 आता है। हाँ जी 2 9 18 हो गया, एक कैरी हो गया 1, 2 9 18, 18 प्लस 1 19, 1 कैरी होया, 2 9 18, 18 प्लस 1 19, 1 कैरी होया, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 2, देख सकते हो 25,998 रुपये, ठीक है ये जो है 2 वाटर गीजरों का मूल है। हाँ जी सानू जो है ऐड करना है, देखो ये तो हो गया एक फ्रिज का मूल, इस दे विच असी एक तो 25,998 रुपये जो कि 2 वाटर गीजरों का मूल है वो ऐड करना है, ते एक जो है असी एयर कंडीशनर यानी कि जो एसी का जो मूल है वो जोड़ना जा ऐड करना है, ठीक है तो इत्थे ऐड कर लेने हैं जी। हाँ जी रुपए 25,998, हाँ जी रुपए 54,000, हाँ 25,998 ये वाटर गीजरों का जो है मूल है, तो 54,000 रुपये जो है एयर कंडीशनर का मूल है। हाँ जी पहला ही असी इतने रुपए लिख लेने हैं। हाँ जी 9 जमा 8 ये 17 हो गया, 17 जमा 0 17 ही होएगा, 1 हासिल गया, 9 जमा 1 10 हो गया, 10 जमा 9 19 हो गया, हाँ जी 1 हासिल गया, 4 जमा 1 5, 5 जमा 9 14 हो गया,
जी एक हासिल किया, 8 जमा 1 9, 9 जमा 5 14, 14 जमा 4 18, जी एक हासिल किया, 1 जमा 1 2, 2 जमा 2 4, 4 जमा 5 9, हाँ जी 98,497 रुपये जो हैं चरण दे पुराने जो है खर्च किते हैं, एक एयर कंडीशनर के ऊपर, दो वाटर गीजर के ऊपर, ते एक फ्रिज के ऊपर, ठीक है, 98,497 रुपये। एक बारी जो है जोड़ असी किता है, एक बारी फिर देख लेने हैं, 9 जमा 8 17 हो गया, एक हासिल किया, 9 जमा 1 10, 10 जमा 9 19, एक हासिल किया, 4 जमा 1 5, 5 जमा 9 14, एक हासिल किया, 8 जमा 1 9, 9 जमा 5 14, 14 जमा 4 18, एक हासिल किया, 1 जमा 1 2, 2 जमा 2 4, 4 जमा 5 9, 98,497 रुपये जो है चरण दे पराने जो है खर्च किते हैं। हाँ जी 1 लाख रुपये उस कोल हैगे सी, सानू ये कटना है भी उस कोल कितनी रकम बची है, तो ये वास्ते असी की करांगे, जो 1 लाख रुपये उदे कोल हैगे सी, 1 लाख रुपये दे विचों ये जो उसने खर्च किते हैं 98,497 रुपये, ये जो है घटा देंगे, तो घटाने तो बाद जो भी रकम आएगी वो जो है उस कोल बची है। हाँ जी 1 लाख रुपये उसके कोल हैगे सी, 1 मिनट सर, अठानवे हजार 497 रुपये जो है उसने खर्च किते हैं। हाँ जी 98,497 रुपये जो है उसने खर्च किते हैं, तो असी जो है कटा के देख लेने हैं भी उस कोल किन्नी जो है चरण दे परा दे कोल रकम जो है बची है। हाँ जी 10 दे विचों 7 गए तो 3, 9 दे विचों 9 गए तो 0, 9 दे विचों 4 गए तो 5, 9 दे विचों 8 गए तो 1। हाँ जी 1 हासिल असी पहला ही लै चुके हैं, 9 दे विचों 9 गए तो 0। हाँ जी 1,503 रुपये जो है उस कोल बचे हैं। हाँ जी यही जो है साड़ा आंसर है भी चरण दे परा दे कोल जो है 1,503 रुपये जो है रकम बची है, 1 लाख रुपये उसके कोल पहला ही है सी, 98,497 रुपये जो है उसने रकम खर्च की है, ते उसके कोल जो रकम बची है वो है 1,503 रुपये। असी फाइनल आंसर दे विच ए लिख के आना है, चरण दे भरा दे कोल 1,503 रुपए जो है बचे हैं। सवाल नंबर 5, एक कारखाने विच एक दिन विच 4,990 टाफियां बनदियां हन, 19 दिनों विच किनिया टाफियां बनणगियां। हाँ जी एक कारखाना है जिदे विच 4,990 टाफियां एक दिन दे विच बनदियां पईयां ने, सानू 19 दिनों दे विच किनिया जो है टाफियां बनणगियां ये जो है कढ़ना है। हाँ जी सिंपल है जी, एक दिन दे विच जो टॉफियां बनदियां पईयां ने जिवें 4,990 ने, उन्हां नूं असी 19 दे नाल यानी कि 19 दिनां दे नाल जो है गुणा कर दांगे। अगर असी एक दिन दी टॉफियां नूं 19 दे नाल गुणा कर दिंदे हां, क्योंकि सानूं 19 दिनां दे विच टॉफियां जो है किन्नियां बनियां ने ये कढ़ना है, तां साडे कोल आंसर आ जाऊगा। हाँ जी 4,990 नूं 19 दे नाल गुणा करके आंदा है जी 94,810, ये जो गुणा है मल्टीप्लीकेशन है ये मैं करके दिखा देना हाँ। उनंजा सौ नब्बे ये जो है एक दिन दे विच टॉफियां बनदियां पईयां ने, सानू 19 दिनों दे विच जो है टॉफियां दा जो नंबर है वो कढ़ना है। हाँ जी
9 0 सा 0 हो गया, 9 9 सा 81 हो गया, 8 कैरी हो गया। हाँ जी, 9 9 सा 81, 81 प्लस 8 ए हो गया 89, 8 जो है कैरी हो गया। 9 4 सा 36, 36 प्लस 8 ए हो गया 44। हाँ जी, इत्थे 0 लगानी है, क्रॉस नहीं लाना। 1 0 सा 0, 1 9 सा 9, 1 9 सा 9, 1 4 सा 4। हाँ जी, इन्हों ऐड कर देने हैं। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी हो गया। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, 1 कैरी हो गया। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9। हाँ जी, वेख सकते हो 94,810, 94,810। दिनों दे विच जो टॉफियां बनणगियां, 19 दिनों विच टॉफियां बनदियां हन 94,810। हाँ जी, छेवां सवाल है जी। एक ट्रक 1 घंटे विच 6,798 इट्टां लै के जाता है, वह 13 घंटे विच किनिया इट्टां लै के जाएगा। हाँ जी, एक ट्रक जो है वो 1 घंटे दे विच 6,798 इट्टां लै के जा रहा है, वह 13 घंटिया दे विच किनिया इट्टां लै के जाएगा, ये असी कटना है। हाँ जी, एक ट्रक 1 घंटे विच इट्टां लै के जाता है 6,798, वह तेरह घंटिया विच इट्टां लै के जाएगा, तो जो 1 घंटे दे विच इट्टां लै के जा रहा है 6,798 इट्टां, इन्हों असी 13 घंटिया दे नाल गुणा कर देंगे, तो साढ़े को जो है जो 13 घंटिया दे विच इट्टां ले जाइया जा रही ने, वह नंबर जो है निकल के आ जाऊगा 88,374। ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये मैं करके विखा देना जी, 6,798 नूं 13 दे नाल असी गुणा करना है। हाँ जी, 6,798 जो है 1 घंटे दे विच वो जो है जो इट्टा ट्रक लेके जा रहा है वो ने सानू 13 घंटे दे विच जो इट्टा ट्रक लेके जा रहा है उदा नंबर जो है कटना है, तो ये वास्ते असी 1 घंटे की इट्टा यानी कि 6,798 नूं 13 दे नाल, क्योंकि 13 घंटे दे विच असी इट्टा जो है कटनिया ने नंबर कटना है, तो गुणा कर रहे हैं। हाँ जी, 3 8 सा ये हो गया 24, 2 कैरी हो गया। 3 3 9 सा ये हो गया 27, 27 प्लस 2 ये हो गया 29, 2 कैरी हो गया। हाँ जी, 3 7 सा 21, 21 प्लस 2 ये हो गया 23, 2 कैरी हो गया। 3 6 सा 18, 18 प्लस 2 ये हो गया 20। हाँ जी, इतने 0। 1 8 सा 8, 1 9 सा 9, 1 7 सा 7, 1 6 सा 6। 4 प्लस 0 4, 9 प्लस 8 17, 1 कैरी हो गया। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13, 1 कैरी हो गया। 1 प्लस 7 8, 2 प्लस 6 8। हाँ जी, 88,374 जो ट्रक है वो 13 घंटिया के विच 88,374 इट्टा जो है वो लैके जाऊगा। हाँ जी, सवाल नंबर 7वां है जी। एक दुकानदार एक मोबाइल फोन 5,089 रुपए का वेचता है, जेकर सारे दिन विच ओहो अजिहे 18 मोबाइल फोन वेचता है तो ओहो किन्नी रकम वटदा है। हाँ जी, एक मोबाइल फोन की जो कीमत है वह सानू दे रखी है, तो 18 मोबाइल फोनों की जो कीमत है वह असी कढ़नी है।
एक मोबाइल फोन का वेश मूल की होंदा है जिस मूल दे ऊपर जो दुकानदार है वो मोबाइल नू वेच रहा है। ठीक है, हाँ जी। एक मोबाइल फोन का वेश मूल है जी 5,089 रुपये। 18 फोना का वेश मूल कढ़ण वास्ते असी जो एक मोबाइल फोन का वेश मूल है 5,089 उसनों असी 18 के नाल गुणा करांगे तो साढ़े को आता है जी 91,602 रुपये। 18 मोबाइल फोन वेच के उस दुकानदार ने जो वटक की है वो है 91,602 रुपये। ये मल्टीप्लीकेशन मैं करके दिखा देना जी तुहानू। हाँ जी, ये जो है एक मोबाइल फोन की कीमत है, असी 18 मोबाइल फोना की जो है कीमत कढ़नी है। 8 9 ज़ा ए हो गया 72, 7 कैरी हो गया, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 7 ए हो गया 71। हाँ जी, 8 0 ज़ा 0, 0 प्लस 7 7, 8 5 ज़ा ये हो गया 40। हाँ जी, इतने 0 1 9 ज़ा 9, 1 8 ज़ा 8, 1 0 ज़ा 0, 1 5 ज़ा 5, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 9 ये हो गया 10, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 7 वन, 1 प्लस 7 8, 8 8 प्लस 8 16, 1 कैरी हो गया, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 5 9। हाँ जी, इस दे नाल असी रुपीस जो है जरूर लगाना है क्योंकि असी 18 मोबाइल फोना दी जो है कीमत कट रहे हाँ, तो 91,602 रुपये जो है उन्हें 18 मोबाइल फोना दा जो दुकानदार ने जो रुपए जो वटे हैं जो वेश मूल है वो जो है 91,602 रुपये है। हाँ जी, 18 फोना का वेश मूल जो है 91,602 रुपये। सवाल नंबर 8वां है जी, 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या नू 95 नाल गुणा करो। मैं पहला भी कई बार डिस्कस कर चुका हाँ भी जदों भी असी वड्डी तो वड्डी संख्या बनानी है तो असी जो है सब तो वड्डा अंक जो कि 9 होंदा है उदा यूज़ करना है और छोटी तो छोटी संख्या बनाने वास्ते जो सब तो छोटा अंक है 0 का यूज़ करना है। बस ये है कि उस दे विच जो पहले वाला जो अंक होंदा है वो असी 1 लेने होंने हैं। ठीक है, तो इत्थे असी वड्डी तो वड्डी संख्या बनानी है तो सारे अंक जो है इत्थे 3 अंकों की गल हो रही है तो तीनों के तीनों अंक असी जो है 9 लवेंगे जो कि सब तो वड्डा अंक होंदा है। हाँ जी, तो 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या बनेगी 999, उसनों असी 95 दे नाल गुणा करना है। हाँ जी, 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या है जी 999, तो लोड़ींदा गुणनफल वास्ते सानू 999 नू 95 दे नाल गुणा करना है। गुणा मैं तुहानू करके विखा दिना जी। सौ 99 नू असी 95 दे नाल गुणा करना है। हाँ जी, 5 9 ज़ा ए हो गया 45, 4 कैरी हो गया, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 4 ए हो गया 49, 4 कैरी हो गया, 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 4 ए हो गया 49। हाँ जी, इतने 0 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी हो गया, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 8 89, 8 कैरी हो गया, 9 9 ज़ा 81, 81 प्लस 8 89। हाँ जी, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 9 19, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14,
वन कैरी हो गया, 1 + 8 9। हाँ जी, वेख सकते हो 94,905 99 95 के नाल गुणा करके, यानी कि 3 अंकों की वड्डी तो वड्डी संख्या 999 95 के नाल गुणा करके आता है जी 94,905। हाँ जी, अगले वाला जिहड़ा सवाल है वो कई बार जो है पेपर दे विच आया होया है, जो 5वीं जमात का जो बोर्ड का एग्जाम होंदा है उस च कई बार जो है ये सवाल पूछा गया है, इंपोर्टेंट जो है ये सवाल है, क्वेश्चन है। हाँ जी, सवाल ये है जी 24 घंटिया विच किन्ने सैकेंड होंदे हन, 24 घंटिया विच किन्ने सैकेंड होंदे हन। देखो, अगर मैं तुहाडे कोल ये पूछा भी एक जो घंटा है या तो 1 घंटे दे विच जो है किन्ने मिनट होंदे ने, तो तुसी जानते हो 1 घंटे दे विच 60 मिनट होंदे ने, ठीक है, मनते हो? हाँ जी, हुण मैं इसनों अगर इवें लिख लां 60 × 1 मिनट। देखो, मैं 60 नूं अगर 1 दे नाल गुणा करदा हाँ कोई फर्क तां नहीं पएगा, क्योंकि अगर असी किसी भी नंबर नूं 1 दे नाल गुणा करते हाँ वो नंबर एज इट इज़ रहिंदा है, कोई भी चेंज नहीं आता है। हाँ जी, 1 घंटा जो है वो बराबर है 60 × 1 मिनट दे, ठीक है। हाँ जी, हुण जे मैं तुहाडे कोल ये पूछा भी 1 मिनट दे विच किन्ने सेकंड होंदे ने, तो तुहाडा जवाब की होएगा 60 सेकंड होंदे ने। 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड दे बराबर है, ठीक है जी। हाँ जी, हुण असी करना की है, देखो ये जो 1 मिनट 60 सेकंड दे बराबर है ना, इसनों असी इत्थे रखांगे, 1 मिनट दी थां ते असी रखांगे 60 सेकंड। हाँ जी, इसनों नोट डाउन कर लो, मैं इरेज करना है जी। हाँ जी, ए वाले 1 मिनट की थां ते मैं जो है 60 सेकंड रखांगा। हाँ जी, ए वाला 60 एज इट इज, गुणा का निशान। हाँ जी, 1 मिनट की थां ते असी लिखांगे 60 सेकंड, इहदा कारण है भी 1 मिनट दे विच 60 सेकंड हुंदे ने। हाँ जी, हुण अगर असी 60 नूं 60 दे नाल गुणा करना है, देखो 6 नूं 6 दे नाल गुणा करांगे ये आ जाएगा 6 6 36, ठीक है। हाँ जी, 1 0 A वाले 60 दी, 1 0 A वाले 60 दी, तां 2 0 हो गया। हाँ जी, ये असी इत्थे नाल जो है लगा दांगे, इन्हां नूं गुणा करन दा तरीका ये हुंदा है, ठीक है। 6 नूं 6 नाल मल्टीप्लाई कीता 36 आ गया, ते 60 दी 1 0 ते अगले वाले 60 दी 1 0, यानी कि 2 0 हो गया, वो असी नाल लगा दित्तियां, तां इहदा मतलब की होया भी 1 घंटे दे विच 3600 सेकंड हुंदे ने। हाँ जी, 1 घंटे दे विच 3600 सेकंड होंदे ने। इस नूं जरा नोट डाउन कर लेना, फिर मैं तुहानूं अग्गे दसदा भी की करना की है। सी देखो, साडा सवाल ये नहीं सी भी 1 घंटे दे विच किन्ने सेकंड होंदे है, साडा सवाल सी भी 24 घंटिया दे विच किन्ने सेकंड होंदे है। तो उस दे वास्ते सानूं पहला ये पता होना जरूरी है भी मतलब 1 घंटे दे विच किन्ने सेकंड होंदे है, तां ही असी 24 घंटिया दे विच जो कुल जो सेकंड होंदे हैं वो कट पावांगे। हाँ जी, इसको नोट डाउन कर लो, मैं इरेज करना है जी। हाँ जी, असी 24 घंटे दे विच जो सेकंड होंदे ने वो कटने ने, मैं 24 घंटे नूं अगर इस तरह लिख लां 24 × 1 घंटा, 24 नूं
चलो मैं इतने घंटे भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पैंता है। हाँ जी, 24 नू अगर मैं एक दे नाल गुणा करदा कोई फर्क तो नहीं पेगा, क्योंकि किसी भी नंबर नू एक दे नाल गुणा करिए तो फर्क तो पैंदा नहीं है। ठीक है, हुण असी करांगे कि जस्ट पिछले वाले स्टेप दे विच असी 1 घंटे दे विच जिन्ने सेकंड होंदे ने वो कढ़िया सी। ठीक है, जो 1 घंटा है वो 3600 सेकंड के बराबर है, तो इतने असी ए वाले 1 घंटे की जगह पर 3600 सेकंड रख देंगे। हाँ जी, 3600 सेकंड। हुण असी करना की है, 3600 नू 24 दे नाल गुणा करना है क्योंकि सानू 24 घंटे दे विच सेकंड कढ़ने हैं। इत्थे असी सिर्फ ये 36 नू 24 नाल गुणा करके देखांगे, जिहड़ी 2 जीरवां ने वो बाद दे विच लगा दांगे। हाँ जी, थोड़ा जा होर ऊपर लिख लेना, स्पेस चाहिदा है। फोर सिक्स ए हो गया 24, 2 कैरी हो गया, 4 3 सा 12, 12 प्लस 2 ए हो गया 14, इत्थे 0। हाँ जी, 2 6 ए हो गया 12, 1 कैरी हो गया, 2 3 सा 6, 6 प्लस 1 7। हाँ जी, 4 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 7 8, ये आया है जी 864 या 864। हाले ये जो 3600 दी ए वाली जिहड़ी 2 जीरोज़ ने ये असी लगानियां ने। हाँ जी, इस नोट डाउन कर लो, मैं इरेज करना है जी। छत्ती नू 24 नाल गुणा करके आया सी 864, जिहड़ी 3600 दी एवरी 2 जीरोज़ ने ये हले असी लगानियां ने, तो इत्थे लगन तो बाद 2 जीरोज़ ये हो जाएगा 86400, ते अग्गे है जी सेकंड। ते इस पासे है जी 24 घंटे। हाँ जी, यही साडा जो है आंसर है। सानू यही पता करना सी भी 24 घंटिया दे विच किन्ने सेकंड होंदे है, तो जवाब है जी 86400 सेकंड होंदे है। हाँ जी, 1 घंटे विच सेकंड बराबर है 3600। ये मैं तुहानू हुणे सोल्व करके विखाया है भी 1 घंटे दे विच किन्ने सेकंड होंदे हैं 3600। 24 घंटिया विच सेकंड वास्ते असी 3600 नू 24 दे नाल गुणा करांगे तां सानू मिलूगा 86400। इहदा मतलब ये होया भी 24 घंटिया दे विच 86400 सेकंड होंदे हैं।